खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए सच दिखाते हैं। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूपी लाइव 100 न्यूज पर। देश व दुनिया की तमाम अहम व छोटी बड़ी खबरों से बने रहिए हमारे साथ यूपी लाइव 100 न्यूज पर। आइए शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों से। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद श्रावस्ती से। थाना इकोना पुलिस को मिली बड़ी सफलता, 43 किलो 200 ग्राम नाजायज गांजा व रुपये 14,000 रुपये नकद साथ एक अवैध गिरफ्तार। पुलिस अधीक्षक श्री अरविंद कुमार मोड़िया द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम व मुकदमे में वंचित चल रहे अभियुक्तों को वारंटियों की गिरफ्तारी हेतु जनपद की स्पेशल टीम व थाना प्रभारी का आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया। खास रिपोर्ट भोजो अहमद श्रावस्ती। गिरफ्तार किया गया है जिसके कब्जे से 43 किलो 200 ग्राम गांजा बरामद हुआ है। यह गांजा उसकी मोटरसाइकिल पर बोरी में रखा हुआ था और ये बेचने के लिए ले जा रहा था। ये आसपास के नदी के क्षेत्रों में से किनारे से गांजा इकट्ठा करके उसे बेचता है। अभियुक्त के पास से 14,000 रुपये भी बरामद हुए हैं। बरामद गांजे की कीमत अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में 4 लाख रुपए के करीब बताई है। कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया? एक अभियुक्त को गिरफ्तार। सर कितने वर्षों से सप्लाई का काम कर रहा था? ये पूछताछ अभी की जा रही है, ये विवेचना का विषय है।